सो है यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस फिलहाल टाइम हो रहा है सुबह के 6 और आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गया था 5 बजे, बिकॉज आज हमारे घर में है कीर्तन। तो हर बार हम कीर्तन करवाते हैं अपने घर में होली में, तो इस बार भी होली आने वाली है तो आज कीर्तन है हमारे घर में। और हमारा ये फर्स्ट कीर्तन है हल्द्वानी में, मतलब आज तक सारे कीर्तन हरियाणा में किए हैं, बहुत ही मजे किए हैं वहाँ पे। मम्मी लोग तो अलग से अपना भजन गाते थे, लेकिन हम बच्चे लोग एक दूसरे को भिगाते थे, गुब्बारे फोड़ते थे, रंग लगाते थे, इतना मजा आता था ना। तो आज यहाँ पे है फर्स्ट टाइम, तो देखते हैं कैसे रहता है। फिलहाल अभी जस्ट उजाला हुआ है और फिलहाल बड़े पापा लेके जा रहे हैं ओरियो को घुमाने के लिए। वो देखो सुबह सुबह ओली। और 5 बजे के टाइम पे अंधेरा था तो मैंने टाइम लैप्स बनाया थोड़ा बहुत, आपने देख लिया होगा। बाकी फिलहाल चलते हैं नीचे। तो फिलहाल का मेरा प्लान है कि मैं थोड़ी देर साइकिलिंग करने जाऊँ। साइकिलिंग करते हैं, अच्छा है ना हेल्थ के लिए। तो चलते हैं, थोड़ी देर साइकिलिंग करके आते हैं और फिर आके नहा धो के फिर करवाएंगे काम घर पे, जो भी काम कुछ होगा। तो ओरियो भी आ गया घूम के बाहर। ओली घूम के आ गई तू ओलू। और फिलहाल पापा जी गए हैं फूल तोड़ने के लिए और ओरियो आ गया। ओरियो को करते हैं अंदर। तो गाइस हम फूल आज होली खेलेंगे, फूल की फूल की होली खेलने के लिए हम गुलाब तोड़ के लाए हैं। मजा आएगा, हैप्पी होली सभी लोगों को। और फिलहाल मेरे को हो रही है दिक्कत, बिकॉज पीयूष ने सीट नीचे कर दी इसकी, तो ये हो गई ऊपर, अब करते हैं बंद। तो ये साइकिल मेरे से ज़्यादा पीयूष चलाता है तो इसलिए वो सीट कर देता है नीचे, तो मैंने ऊपर कर दिया अभी तो। और सनराइज़ भी हो गया है, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। तो ये आ गया है मेरा फेवरेट एरिया, लेकिन यहाँ पे लोगों ने कूड़ा फैला रखा है, ये देखो। अरे यार, तो भाई सामने है ग्राउंड और यहाँ बच्चे कर रहे हैं आर्मी की ट्रेनिंग। जय हिंद। तो भाई फिलहाल यहाँ पे आए थे ग्राउंड में, हम भी आ गए और फिलहाल सारा ग्राउंड खाली हो गया है, सारे बच्चे चले गए हैं बिकॉज 8 बज गए अब। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सब्सक्राइबर भी थे तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके। बाकी अब आते रहेंगे यहाँ पे, चलो थोड़े पुलअप्स करते हैं, देखते हैं हम कितने कर पाते हैं। वैसे मैंने 1 साल से पुलअप्स नहीं किए, पर करते हैं चलो अब। तो गाइज मैं टोटल 10 भी नहीं मार पाया, मैंने 9 पुलअप मारे बस। तो कोई बात नहीं, अब करेंगे रोज, बाकी दर्द हो गया हाथों में। आहा, बाकी यहाँ बच्चों ने मस्त ग्राउंड बना रखा है, ये देखो। यहाँ पे है लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस, यहाँ मिट्टी खोद रखी है इसके अंदर, यहाँ से करते हैं जंप सीधा मिट्टी में। तो आगे से यहाँ पे आऊँगा ना तो शॉर्ट्स में आऊँगा, शॉर्ट्स में और कोई पुरानी टी शर्ट में। मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, रैंडमली मैं यहाँ पे आया और मुझे यहाँ पे बच्चे दिख गए प्रैक्टिस करते हुए, तो मैंने भी कर ली थोड़ी बहुत। और मेरे हाथ देखो, मेरे कपड़े पूरे गंदे हो गए हैं मिट्टी से, यहाँ पे सारी मिट्टी मिट्टी है ना। चलो कोई बात नहीं, देखो पूरा जंगल है उधर भी और यहाँ पे भी, और यहाँ पे है ग्राउंड, मस्त वाइब आ रही है पूरा नेचर के साथ। तो फिलहाल मैं अभी घर नहीं जा रहा, बिकॉज मुझे याद आया कि पीयूष ने मुझे कहा था कि साइकिल की चैन ढीली हो गई है और इसकी ब्रेक भी ढीली हो गई है, तो वो भी ठीक करा लेंगे। तो चलते हैं फटाफट पहले शॉप पे। तो हमारी ब्रेक और चैन ठीक हो गई है, चलो। तो फाइनली घर पहुंच गए हैं। पीयूष साइकिल आपकी ठीक हो गई है, देख लो। ये देखो इसने सीट दोबारा नीचे कर ली। चलो कोई ना, चलो मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। A few moments later. तो फिलहाल नहा लिया है और रेडी हो चुके हैं, अब दिखाते हैं आपको हमारा न्यू कैमरा। हमने न्यू कैमरा बाई किया है जो कि है GoPro Hero 9, तो कुछ इस तरह के केस में आता है ये। बाकी ये है देखो, तो ये है GoPro Hero 9 और भैया ने लिया GoPro Hero 10। तो चलो अब आएगा मजा मोटो ब्लॉगिंग में, बहुत जल्द करेंगे मोटो ब्लॉगिंग। बस अब हमको चाहिए एक माइक अडेप्टर, हम ले आएंगे और फिर करेंगे सेटअप GoPro का हेलमेट में पूरा। तो अब देखो अच्छी तरह, ये है GoPro Hero 9, तो यही सामान है जो आता है GoPro 9 के साथ। ये माउंट है हेलमेट का और ये भी माउंट है, ये लगता है इसमें। बाकी ये खुलता है कुछ इस तरह से, देखो इसको खींचना पड़ता है 2 उंगली से ऐसे करके, ये खींचा देन ही खुल जाएगा। ये इसके अंदर बैटरी, इसकी बैटरी बहुत बढ़िया है देखो, तो काफ़ी ज़्यादा चलती है ये। और हाँ ये है देखो माइक,
माइक इसके साथ नहीं आया, माइक पड़ा था मेरे पास पहले से, तो इसके लिए चाहिए हमको माइक अडैप्टर। तो ये जो है केबल, ये लगती है उसमें माइक अडैप्टर में, और वो लगती है गोप्रो में, फिर तब काम करता है गोप्रो में माइक। अब करते हैं बंद। तो ये सब निकाल लिया, कटोरी, चम्मच, प्लेट, चम्मच भी बहुत है प्रसाद के लिए। तो अभी गाइस मेरे को ये सारी बाइक बाहर करनी है, ये स्कूटी को तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा इस तरफ। चलो हमारा काम शुरू। बहुत अरसों के बाद ये खाली दिख रहा है हमको आज, इतना स्पेस भाई। और अब करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है चावल और दाल, तो चलो खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी गाइस हमने मिलके ये देखो यहाँ पे बिछा दिए हैं, गद्दे वगैरह लगा दिए हैं, तो यहाँ पे बैठेंगे लोग। इसके नीचे दबा, हो गया। यहाँ पे कुर्सियाँ हैं। तो गाइस मम्मी जो चाची जी तैयार हो चुके हैं होली वाली साड़ी पहन के। ओह थोड़ी फोटो खींचते हैं मम्मी के साथ, चाची के साथ। चलो तो अभी टाइम हो रहा है 1:30 और 3 बजे से है शुरू हमारा कीर्तन, तो अभी है 1.5 घंटा। तो फिलहाल घर में जो भी काम था वो सब कुछ हो गया है, बस एक काम था जो कि रह गया था, वो था समोसे लाने का। तो अभी फिलहाल भैया लोग, पापा जी और पीयूष गए हैं समोसे लाने के लिए, और फिलहाल मैं जा रहा हूँ एक काम करने के लिए, मतलब एक ख़तरनाक काम है जो कि मेरे मन में कब से था, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ सोसाइटी में। तो हमें जाना है इसके ऊपर, मतलब मेरा स्टार्टिंग से ही मन था कि जाना तो है इसके ऊपर, तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले परमिशन ले ली है यहाँ चढ़ने की। तो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, ऊंची है। तो देखो अभी हम थोड़ी सी ऊपर चढ़े हैं, और ये देखो भाई कितना प्यारा दिख रहा है। ओ भाई फाइनली गाइस आई एम ऑन द टॉप। आपको दिखाते हैं यहाँ से कैसा व्यू आ रहा है, भाई बहुत खतरनाक। तो गाइस अब देखो भाई पूरा ड्रोन वाला व्यू आ रहा है। तो हमारा घर है वो सामने, वो रहा ये देखो। तो अब दिखाता हूँ मैं आपको कि हमारी सोसाइटी कितनी बड़ी है। जो आप ये वाले देख रहे हो ना सारे घर, ये तो है ही, साथ में ये वाला एरिया पूरा, वो वाला एरिया एंड ये वाला एरिया, ये भी सोसाइटी का एरिया है, लेकिन फ़िलहाल ये खाली है, यहाँ पर घर नहीं बने हुए, लेकिन फ्यूचर में बनेंगे, यहाँ भी और वहाँ भी बनेंगे सब जगह। तो यहाँ भी है और इस तरफ भी है खाली, यहाँ भी खाली है और इसके पीछे भी खाली है, मतलब काफ़ी एरिया खाली है सोसाइटी का, और यहाँ पे इतने घर हैं ये देखो। बाकी मज़ा आ गया यहाँ पे आके आज। तो फिलहाल काफ़ी देर हो गई है, अब चलते हैं वापस नीचे, यहाँ पे आएंगे दीपावली को। दीपावली पे ना ख़तरनाक व्यू आएगा, जब ऊपर बम फूटते हैं ना तो वो वाला सीन मस्त आएगा यहाँ से पूरा। दिवाली पे आएंगे यहाँ पे, चलो चलते हैं फिर। तो फिलहाल गाइस आ गए हैं नीचे, अब आने वाले होंगे सारे रिश्तेदार। और यहाँ पे देखो कितनी सारी बाइक और स्कूटी आ गई है, ये देखो 21 साल के बच्चे। आज अंदर इतनी भीड़ हो गई है ना, सोसाइटी के सारे लोग आ गए हैं भाई। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? क्या हो गया? बुरा न मानो होली है। तो गाइस यहाँ पे चल रहा है घमासान युद्ध। तो गाइस फिलहाल खाते प्रसाद, बहुत देर से मैं इसका वेट कर रहा था, फाइनली आ गया है आलू और समोसे। अब है हमारी बारी नाचने की, हम नाचेंगे अब। सो फिलहाल कीर्तन खत्म हो गया है और सारे जा चुके अपने अपने घर। बाकी आज बहुत ही मजा आया, फुल मस्ती करी, फुल डांस किया, और बच्चा पार्टी ने अपनी अलग ही होली खेली है, वो पूरे भरे हुए थे रंग से, पूरे भीगे हुए थे,
लेकिन होली है तो ऐसा होना ही था। सो अब करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, बताना कैसे लगी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय, हैप्पी होली।